तो आज मैं और डैश फिर से आ चुके हैं भाई यही वाले दीवार के पास में, क्योंकि आज हम लोग वापस से करने वाले एक अच्छा सा बिल्ड बैटल। और भाई आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं डैश, जल्दी बता। आज हम लोग बनाएंगे प्रिजन सेल, मतलब जेल बनाएंगे, जिसमें तुझे डालेंगे, तू मुजरिम है क्योंकि। मैं मुजरिम हूँ भाई, देखते हैं यार। और भाई एस्केप करने वाला है, और तू कुछ भी यूज कर सकता है, तुझे पता है ना, माइन से लेके स्कैनर वैनर हर चीज सब पता है, सब पता है। ठीक है यार, तो तू एक काम कर, अपने साइड में जाके बनाना चालू कर। इस बार तुझे मैं डायमंड देता हूँ भाई, आगे से खुद ही दे रहा हूँ तुझे डायमंड। डायमंड बना और मैं इधर बनाता हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी भाग यहाँ से। और भाई ठीक है भाई, टाइम वेस्ट नहीं, लेकिन एक दो बात सुन के तो जा। और भाई इस वीडियो का लाइक एम तो तूने बताया नहीं, लाइक एम क्या होना चाहिए? लाइक एम सबसे खतरनाक रखने वाले हम लोग। कितना? हम लोग रखेंगे सीधा 79,000। भाई 79,000, ये कितना खतरनाक लाइक एम है भाई। अगर ये कंप्लीट हो गया ना, तो डैश एम्पायर अपना फेस रिवील करेगा। वो तो पिछले बार भी बोला था तूने भाई, तो पिछले बार लाइक कंप्लीट ही नहीं हुए ना। तो चलो यार टाइम पास छोड़ते हैं, हम लोग अपना काम करना चालू करते हैं। और इस बार एकदम चीटिंग नहीं होगी डैश, ठीक है? तो जा भाई तू अब डिस्कॉर्ड से। तो चलो यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और इस बार सच में यार मैं सोच रहा हूँ कि चीटिंग नहीं करना चाहिए। और मैंने सारे सामान उठा लिए जो कि मुझे यहाँ पे काम आएंगे बनाने के। सबसे पहले मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि उसके लिए बस एक मेन वाला सेल बना देते हैं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसको बनाने का है भाई, एकदम खतरनाक वाले ब्लॉक से, जिसको बोलते हैं हम लोग बेडरॉक। भाई इसको तोड़ना तो नामुमकिन है, तुमको पता ही है। और ऊपर से डैश क्या कर पाएगा भाई इसके साथ। तो काम करते हैं, सबसे पहले मैं सेल बना लेता हूँ जल्दी से, और उसके बाद भाई हम लोग आगे का बनाएंगे। रुक जाओ यार, ये इतना टाइम पास क्यों करना। सबसे पहले यार मैं अपना ये यूज कर लेता हूँ अपने एक्स को, तो ये भाई करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए। अब बस यहाँ पे लिखना है एंटर, और भाई हमारी दीवार आ गई है। तो इतने जल्दी जल्दी हमको काम करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो नहीं मिलने वाला है इस बार भी हमको। और भाई इस बार हमको कुछ ज्यादा लेजर वेजर नहीं लगाना है, वैसे मैं लगाऊंगा लेजर। और इस बार भाई हम लोग बना रहे हैं प्रिजन वाला ब्रेक भाई, कोई सिक्योरिटी प्रिजन नहीं है, तो इसमें ज्यादा हार्ड नहीं होगा भाई। आधे से ज्यादा टास्क तो उसको मैं ही बता दूंगा कि उसको कैसे पार करना है। और भाई अब यहाँ पे मुझे आयरन बार्स लगाना रहेगा, और भाई इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम पास होने वाला है। तो ठीक है यार कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी लगाते हैं इसको। चलो ये वाला काम तो हमारा हो गया। और एक मिनट यार, मैं सोच रहा हूँ भाई ये बाजू वाली दीवार को थोड़ा और ऊपर बना देते हैं हम लोग, और तुम लोग मुझे कमेंट में बताना भाई। और तुमको एक बात बताऊंगा यार, प्लीज मुझे जिता देना कमेंट में, क्योंकि यार इस बार बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं जीत गया तो, क्योंकि इस बार हम लोग पूरा रियल खेल रहे हैं। और भाई इसको सबसे पहले हम लोग हाइट बढ़ाते हैं भाई, फालतू की बात छोड़ते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास वैसे भी नहीं है ज्यादा भाई। 15 मिनट में सब खत्म होने वाला है, तो उतने देर में मुझे सब कुछ बनाना होगा। तो भाई इसकी हाइट बढ़ा लेता हूँ अब, भाई सब कुछ सही हो गया। और एक मिनट यार, ये तो घास है भाई, वो तो इसी को खोद के निकल जाएगा तो एस्केप हो जाएगा प्रिजन। मुझे लगता है नीचे में मुझे कोई अच्छा सा एकदम स्टोन ब्रिक्स लगाने चाहिए, या तो स्टोन लगा देना चाहिए। काम करता हूँ नॉर्मल वाला स्टोन लगा लेता हूँ, लेकिन यार उससे पहले यहाँ पे हमको एक भाई रास्ता भी तो बनाना है ना उसके लिए, भाई आगे जाने के लिए। तो काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा इस टाइप से बना देते हैं हम लोग, और इसके बीच में यहाँ पे मैं डोर लगा दूंगा। तो सबसे पहले डोर लगाने से पहले भाई इसका फ्लोरिंग करना है मुझे, तो एक मिनट यार मैं वाले ब्लॉक्स ले लेता हूँ। तो चले यार मैंने यहाँ पे ग्राउंड तो बना दिया है, अब एक काम करता हूँ सबसे पहले डोर लगा देता हूँ भाई। ये जो है ना डोर बस दिखावे का है, ये हमारा असली रास्ता होने नहीं वाला है। अब देखते हैं भाई वो सबसे पहले लेवल कर पाएगा कि नहीं भाई खुद से, नहीं तो भाई अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा तो मैं उसको हिंट दे दूंगा वैसे तो। तो एक काम करते हैं भाई, अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ की लुक भी अच्छी से कर देते हैं भाई, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लगना चाहिए ना ये कि ये प्रिजन है। तो चलो इसको यहाँ पे लगाता हूँ, और इस तरीके से हम लोग इसको भी लगा देते हैं, और बस ये लास्ट वाले पे भी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो भाई ये इस तरीके से बन गया, और ऐसा ही सेम मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बनाने की। चलो भाई ऐसा मेरा काम तो यहाँ पे हो चुका है आधा, और भाई एक काम करते हैं इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा भी दिखना चाहिए ना। और भाई अभी मैं तुमको बताता हूँ हमारा असली रास्ता क्या होगा। देखो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ पूरे फर्नेंसेस को, और भाई असली रास्ता होगा हमारा भाई ये वाले कोंटे में। अगर उसने दिमाग लगाया वो तो ही यहाँ से निकल पाएगा, क्योंकि यार ये जगह को मैं तोड़ के ना यहाँ पे लगाने वाला हूँ घोस्ट ब्लॉक, जो कि रहेंगे भाई इसके समान ही दिखने वाले, लेकिन हम लोग इसके आर पार जा सकते। तुमको तो पता ही होगा क्योंकि तुम लोग मेरी वीडियो देखते हो, और अगर नहीं देखते हो तो भाई इसलिए तुमको नहीं पता, इसलिए भाई जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो भाई मुझे 4 लाख अगर तुमने इस मंथ तक पहुंचा दिया तो भाई बहुत तगड़ी बात हो जाएगी। इतना तो काम हो गया। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई वो यहाँ से ऐसा कूद के ऊपर से कैसे जाएगा, तो यार तुमको तो पता है ना वो यहाँ से कोई भी चीज नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो बेड को तो तोड़ सकता है ना भाई। वो इसके ऊपर कूद कूद के जा सकता है बहुत आराम से, और अगर नहीं भी जा पाए तो उसकी मैं हेल्प कर दूंगा उस टाइम पे। चलो कोई बात नहीं। और तुम लोग ऐसा मत सोचना कि भाई इसके आगे जाने के बाद वो जीत जाएगा, क्योंकि यार इसके बाहर में एक और वॉल आने वाली है। एक और नहीं भाई, अभी बहुत बड़ा बनाना बाकी है, और हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम बाकी है। तो एक काम करते हैं इसके आगे का बनाते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते। चलो अभी मैंने वो तो बना लिया, अब एक काम करता हूँ यार, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बाउंड्री बना देते हैं एकदम जल्दी से, क्योंकि यार ज्यादा टाइम हमारे पास सच में नहीं बचा यार अब तो। एक काम करता हूँ, बाउंड्री थोड़ी और बड़ी बननी चाहिए, क्योंकि यार इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ और खतरनाक से लेजर, तो तुमको तो पता ही है कितना ज्यादा हार्ड हो जाएगा उसके लिए। तो सबसे पहले ये डाल देता हूँ, नहीं तो यार हमारे पास सच में ज्यादा टाइम नहीं बाकी भाई, काम मुझे जल्दी करना पड़ेगा। क्रिएटिव में भी भाई मुझसे इतना टाइम पास हो रहा है। बाउंड्री तो बना दी है, अब जल्दी से हमारी छड़ी को यूज कर लेते हैं भाई खतरनाक वाली। तुमको तो पता है यार कितनी ज्यादा सही है, इसने मुझे बहुत बार जिताया है, क्योंकि यार सच बताऊं तो अगर ये ना होती ना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जल्दी जल्दी भाई टाइम से पहले काम हो जाता है, देखो यार कितना टाइम इसने मेरा बचा लिया। अब एक काम करता हूँ जल्दी से इसको बना लेता हूँ, और भाई यहाँ पे मुझे लेजर्स भी लगाने हैं इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा बहुत दिखना चाहिए ना। इतने हाइट पे तो पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी लेजर्स लगा देते हैं हम लोग भाई सेफ्टी के लिए, क्योंकि यार प्रिजन है भाई, ये कोई ऐसी फालतू जगह थोड़ी ना है। और ऊपर से मेरा और ये वाला साइड सिलेक्ट कर लेते, मुझे फ्लोरिंग भी तो करनी है ना, तो इस बार भाई फ्लोरिंग में अपने हाथों से नहीं कर सकता, क्योंकि यार मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जल्दी से हम लोग ये वाला कमांड डाल देते हैं और एंटर। कितने जल्दी आ गया भाई सब कुछ, अब देखते हैं इसके आगे क्या बनाना पड़ेगा। वैसे मैं सोच के रखा हूँ, लेकिन यार सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, जो कि ये भाई ये जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी लकड़ी है, बस ये दिखावे के लिए भाई,
उसको ये तोड़ के कुछ फायदा तो मिल जाएगा। देखते हैं यार, क्या पता उसके आगे काम भी आ जाए ये सब, क्योंकि यार ये जलाने के काम तो नहीं आएगा अभी हमारे, लेकिन अगर उसने ये तोड़ लिया तो उसको स्टिक्स मिल जाएगी बहुत सारी, जो कि उसको काम आ सकता है भाई। बहुत अच्छा भाई, अभी मैंने सोच लिया कि मुझे भाई डैश के साथ क्या करना है, इसके बाद जब वो यहाँ से निकलेगा ना, तब उसके बाद हम लोग उससे थोड़ी बहुत मजदूरी कराएंगे, क्योंकि प्रिजन में तो भाई कैदी लोग यही करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं ये वाला जगह बना लेता हूँ, और एक मिनट भाई, डोर भी लगा देते हैं और वापस से यहाँ पे दो फ्लोर का बना देते हैं, और उसको मैं थोड़ा बहुत पिकेक्स विकेक्स दे दूंगा यहाँ पे एक चेस्ट के अंदर, और भाई उससे हम लोग थोड़ी बहुत मजदूरी कराएंगे। तो उसके लिए मैं ओर्स भी ले लेता हूँ, और सच बताऊँ क्या भाई, वो इतना ईजी नहीं रहेगा यार, क्योंकि तुमको क्या लगता है यार, मैं इतना ईजी बस उससे नॉर्मल मजदूरी कराऊंगा भाई? एक में रहेगा माइनिंग ओर, और एक में तो भाई एक अलग सी जगह बनाने वाला हूँ मैं, टनल वाली, जिसके अंदर घुस के वो भाई पक्का मरेगा, वो तो मुझे पता है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे काम चालू कर देते हैं, मैं उठा लेता हूँ पूरे ओर्स। और भाई एक मिनट यार, मैंने लेजर भी नहीं लगाया यार, शिट यार, टाइम ज्यादा हो जाएगा तो बहुत बेकार है। एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ कितना बाकी है, वो भाई सिर्फ 10 मिनट बाकी है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? चलो यार, मैंने लेजर तो उठा लिया है, अब एक काम करता हूँ भाई, सिंगल सिंगल का लेजर लगाना हमको, बस तरीके से एकदम रैंडम लगा देता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया इसको, ये ठीक है, तरीके से मुझे लगाते रहना है, काम नहीं है, मैं उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं, इसको लगाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे का सिस्टम बनाएंगे हमारा। तो भाई ये लेजर हमारे लग चुके हैं, और भाई अब लग रहा है ना कि हमारे कोई प्रिजन कुछ खतरनाक सा है भाई, पूरा खतरनाक जैसा लग रहा है ये। अब वो सब बातें छोड़ो, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डायमंड के ओर लगा देता हूँ ऐसे कुछ, भाई वो मैं पक्का बता रहा हूँ वो डायमंड को ही तोड़ेगा, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा गरीब जैसा करता है। तो एक काम करते हैं, जल्दी इसको लगा देते हैं हम लोग भाई, वो इसको जैसे ही तोड़ेगा भाई, इतने लगाने की जरूरत नहीं यार, वो एक ही तोड़ेगा तो फूट जाएगा। और यहाँ पे बाजू में सोच रहा हूँ भाई, एक सबसे पहले गड्ढा बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ गोश्त ब्लॉक डालने की, और फिर इसको हम लोग आजू बाजू से कवर करेंगे ऐसा। और ये कवर करने के बाद भाई इसको मैं इस तरीके से एकदम नॉर्मल बनाऊंगा, क्योंकि यार उसको लगना नहीं चाहिए कोई भी प्रॉब्लम है। और इसके अंदर जो जगह है ना, वो मैं अभी थोड़ी देर में बनाता हूँ, लेकिन एक बार इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। नहीं यार टेस्ट तो नहीं करेंगे, मुझे पता है ये फूटने वाला, तो फालतू में टेस्ट क्यों करना भाई, मैं भी मर जाऊंगा भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसके बाद भी। अब क्या बाकी है, ये लकड़ी तो मैंने ऐसी रख दिया, बस डिजाइन में अच्छा लग रहा है ना भाई, मुझे कमेंट बताओ अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। और लगा देते हैं भाई, ऐसा लगना चाहिए किसी अमीर का सेल है ये, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ देखो, अब ये लकड़ी ऐसा लग रहा है भाई कुछ बड़े काम के लिए रखा है, जानते यार ये सब फालतू बातें क्यों कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये दो जगह तो हमारी बन चुकी है, अब यहाँ पे भाई कोंटे में रेडस्टोन भी रख देता हूँ, क्योंकि यार ये तो उसके पक्का आगे काम आने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जो कि यार रेडस्टोन से ही चलेगी, नहीं तो भाई वो आगे ही नहीं जा पाएगा। और एक काम करता हूँ, इसके अंदर भी मैं डाल देता हूँ पिकेक्स, और अरे ये तो मैंने डाल दिया भाई, मुझे याद भी नहीं रहता क्या कर रहा हूँ मैं। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसके अंदर का एरिया बना देते हैं, और भाई एक मिनट यार, इसको हम लोग पैक भी कर देते हैं ऊपर से, और जल्दी से अंदर खोदता हूँ मैं। तो ये इतना सही एरिया बन गया, और यहाँ पे मैंने हेवेल्स लगा दिया है, क्योंकि यार उसको डैमेज नहीं पड़ना चाहिए, वैसे उसको मुझे मारना ही है भाई, यहाँ पे मैं नॉर्मली मार सकता था उसको, लेकिन यार थोड़ा बेकार मौत देंगे यार उसको। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और होल बना देता हूँ, एक अच्छा सा थोड़ा गहरा बना देते हैं, इसके अंदर हम लोग रखेंगे बहुत खतरनाक से कुछ लोग, जिससे वो पक्का फाइट तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं है अभी तक किसी से फाइट करने के लिए, उसकी बॉस फाइट हम लोग आगे कराएंगे किसी ना किसी खतरनाक आदमी से, अभी वो जान दो, वो तुमको आगे पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलो यार, यहाँ पे मैंने होल तो बना दिया है, और अब इसके आगे का काम मैं एकदम टाइम पे करूंगा, क्योंकि यार अगर मैंने उसको अभी स्पॉन कर दिया ना, तो भाई वो अभी डिस्पॉन हो जाएंगे, तो कोई मतलब का नहीं है। तो चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, जैसे वो यहाँ पे गिरेगा ना, तो ऊपर जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, तो उसको भाई यहीं कूदना पड़ेगा, और यहाँ कूदने के बाद उसकी मौत है, तुमको पता ही है। तो चलो यार जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो चलो इतना काम तो अब हमारा हो चुका है, अब मैं सोच रहा हूँ इसके आगे भाई, यहाँ पे वो दो बार मर चुका होगा जहाँ तक के, भाई एक बार भी मरा होगा तो भाई वो बहुत ज्यादा थक गया होगा, तो अब उसके लिए थोड़ा बहुत खाने पीने की जगह बना देते हैं हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कैफेटेरिया बना देते हैं छोटा सा, ये भी काम मुझे जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि यार सच में यार बहुत ज्यादा कम टाइम बाकी है, अब ज्यादा लगता है मुझे दो जगह और बना पाऊंगा मैं, और उसके बाद भाई टाइम खत्म हो जाएगा। तो चलो ये मैंने थोड़ा सा एरिया तो बना दिया है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कैफेटेरिया सामान हम लोग थोड़ा सेटिंग वाला अरेंजमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे भाई हमारा बीच में फेंस रहेगा, और इसको इस तरीके से यहाँ पे भी लगा देते हैं हम लोग। ये कोंटे में ना मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक जगह अच्छा खाने की चीजें रखते हैं, क्योंकि यार उसको सच में भूख लगी होगी, और मैं जहर देने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में अच्छा खाना दे देंगे उसको, क्योंकि इस बार उसने बहुत मेहनत किया है। तो ठीक है यार, मैं ये वाला पूरा सिस्टम बना देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग आगे का सिस्टम बनाएंगे। तो चलो मैंने ये वाला एरिया तो बना दिया, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया ब्रेड, भाई उसको अनलिमिटेड ब्रेड ले सकता हूँ यहाँ से। और भाई ये जगह को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ ग्लास, क्योंकि यार वो ग्लास कुछ ज्यादा ही अच्छे दिखते हैं। बीच में हम लोग को गैप भी बनाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, नहीं तो पता चला भाई वो अंदर ही जा पाएगा। जल्दी जल्दी हाथ से काम करते हैं भाई। तो चलो अभी मैंने ये वाला एरिया को पूरा पैक कर दिया है, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक जगह बनाने की, और यहाँ पे बना दूंगा आयरन डोर। अब ये खाना वाना खाने के बाद ना मैं उसको पूरा फ्री टाइम दे दूंगा भाई, वो जाके कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, और भाई वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा इसको देख के। और यहाँ पे वो जैसी रेडस्टोन टॉर्च रखेगा ना, वैसे ये दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन रेडस्टोन टॉर्च को कैसे बनाना है वो तो मुझे पता है, लेकिन पता नहीं यार तुम लोग को पता है कि नहीं, मैं तुम लोग को बताना नहीं चाहता अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट मुझे बताओ कि रेडस्टोन टॉर्च कैसे बनेगा इधर, किस तरीके से वो डैश बनाएगा। तो जल्दी जाओ कमेंट करो उसके आने से पहले, और भाई देखते हैं उसके पास इतना दिमाग है कि नहीं, कि वो रेडस्टोन टॉर्च बना पाता है कि नहीं। तो चलो यार कोई बात नहीं, ये तो हम लोग बहुत आसानी से खोल देंगे, मतलब मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रो हूं। और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ एक अच्छा सा भाई छोटा सा एकदम वो बना देते हैं जल्दी से, एक रूम जिसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत आर्मर रखेंगे, और उसका यहाँ पे होगा एक बॉस फाइट, और बॉस फाइट के बाद भी हम लोग कुछ बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मैं टाइम देख के आया था भाई, सिर्फ 5 मिनट बाकी है हमारे पास और बनाने के लिए कुछ, ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बस एक बॉस फाइट रहेगा, और उसके बाद एक बहुत अच्छा सा पार्कोर रहेगा खतरनाक सा, जो कि तुमने नहीं देखा होगा भाई आज। तो चलो ये वाला एरिया मैंने बना दिया है, और जल्दी से इसके अंदर मैं आर्मर डाल देता हूँ पूरा स्वॉर्ड के साथ। भाई ये
उसको पहनना है और फिर उसके बाद इसके आगे जाना है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई वो इसके आगे कैसे जाएगा, वो ऐसे तो नहीं होगा भाई, यहाँ पे मैंने एक एरिया बनाया आगे जाने का, तो भाई इतना इजीली वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही उसका फाइट खत्म होगा वैसे ही भाई यहाँ पे हम लोग एक रास्ता और बनाएंगे ऊपर जाने का, और भाई वो जैसे ही उससे ऊपर जाएगा ना वैसे वो एस्केप हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, मैं तुमको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले वाला एरिया बना लेते हैं भाई, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ बनाऊंगा जैसे हम लोग भाई वो एक्सपी वाला फार्म बनाते थे ना जॉम्बी वाला, जो कि था बहुत ज्यादा खतरनाक सा पहले भाई 100 डेज की वीडियो में हमारे, पता नहीं उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, कुछ उस टाइप का ही है। तो इसको यार मुझे यहाँ तक ऊपर लेके जाना है, और ऊपर हम लोग उसको हेलीकॉप्टर्स दे देंगे बहुत सारे, तो भाई उसमें से बैठ के वो आसानी से एस्केप कर लेगा। लेकिन देखते हैं भाई कौन किसके बिल्ड में ज्यादा बार मरता है। तो चलो जल्दी से इसको मैं बना लेता हूँ। तो इतना बड़ा मैं टनल सामान कुछ तो बना लिया है, तो भाई इसी के अंदर से उसको ऊपर जाना है। लिंक कैसे जाना है भाई, मैं उसको दूंगा भाई लेविटेटिंग का पोर्शन, और भाई उसके बाद वो उड़ना चालू होगा भाई ये राक्षस चीजों के बीच में से। अब तुम लोग खुद सोचो भाई वो कैसे पार करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि यार इसको एक बार भी वो टच हुआ ना तो भाई एक बार में तो बच जाएगा, लेकिन दूसरी बार में बहुत भयानक मौत मिलेगी उसको। और भाई मैं इतना आसान तो मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन जाने दो यार इतना काफी रहेगा उसके लिए। तो चलो यार इतना तो मैंने बना लिया, अब नीचे जाके बस मुझे हार्मिंग मॉड्यूल डालना है, और फिर डैश को हम लोग जल्दी से डिस्कॉर्ड में बुला लेंगे। और भाई यहाँ पे एक आखिरी प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जिसके अंदर हम लोग हेलीकॉप्टर्स रखेंगे उसके लिए। भाई अगर उसको उड़ाना आता होगा तो भाई वही तभी वो पार हो पाएगा ना भाई, उसने क्रैश कर दिया तो इधर ही टपक जाएगा, तब मुझे नहीं पता, देखते भाई आगे क्या होता है। तो बस यार ये देखो यार ऊपर से हमारा प्रिजन कितना ज्यादा सही दिख रहा है, इस बार मैंने बहुत छोटा बनाया है लेकिन दिखने में तो बहुत ज्यादा सही है। और अगर तुमको भी अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो भाई तुमने शायद लाइक कर ही दिया होगा। तो चलो यार इतना और ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बस करते हैं अब जल्दी से डैश को बुला लेते हैं हम लोग डिस्कॉर्ड के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर को स्पॉन कर देता हूँ। हेलो भाई डैश, टाइम अप हो चुका है, कहाँ है तू? अरे मेरा बहुत पहले बन चुका था भाई, इधर आराम कर रहा हूँ मैं। अरे यार आराम करने से अच्छा मुझे बुला लिया रहता, मैं भी बहुत देर से टाइम पास कर रहा हूँ इधर। भाई चल ठीक है रुक जा, मैं सबसे पहले तेरे बेस में आऊंगा, क्योंकि यार मैं आ चुका हूँ सर्वाइवल में। चला जा। तो चलो भाई ये वाले प्रिजन के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, बहुत घबरानी प्रिजन है। एक मिनट, ये एरो कहाँ से आ गया मेरे पास? बस ऐसे तुझे दिया हुआ, अगर तू मौत लेना चाहे तो ले सकता है। अरे ऐसे क्यों भाई, और ये क्या लीवर तो मेरे सामने ही चाहे, ये तो ऐसे ही निकल जाऊंगा मैं। अब वो तेरी इच्छा भाई, जो करना कर तू। अरे लेकिन एक मिनट यार, थोड़ा बहुत आजू बाजू देख लेता हूँ, यहाँ कुछ है तो नहीं? नहीं भाई यहाँ कुछ नहीं है, इसके अंदर ये भी खाली है भाई, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या था, यहाँ तो निकल गया भाई, हड्डी भी पड़ी है। ये सब कैसा प्रिजन है तेरा, लोगों को मारता है क्या तू? नहीं नहीं प्रिजन, ये खुद ही मारा है भाई, सुसाइड कर लिया था इसने। ठीक है यार ये कैसी बात हुई भाई, सुसाइड कर रहा है प्रिजन में, बहुत ज्यादा खतरनाक प्रिजन है क्या तेरा? और क्या भाई, निकल के दिखा तू बस। ठीक है चल मैं जा रहा हूँ भाई आगे। रुक जा एक मिनट, तू मेरे प्रिजन में है, तुझे मजदूरी करना पड़ेगा। ये पिकैक्स पकड़ और सब कुछ तोड़ना चालू कर भाई, यहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर आ चुके हैं, तुझे तोड़ना पड़ेगा सब कुछ। भाई ये सब क्या करा रहा है तू? ठीक है यार ये तो मैंने ही बनाया है, तुझे मैं भी मजदूरी कराऊंगा रुक जा कुछ देर में। और भाई ये क्या है, ये तो कोबल स्टोन दिया तूने मुझे, पता नहीं शायद आगे काम आएगा मुझे लग रहा है। चलो भाई जल्दी से इसको तोड़ते हैं और आगे चलते हैं। बता हो गया भाई? काम कर यार, काम छोड़ फ्लिक। अरे काम छोड़ गया भाई, खत्म हो गया। एक मिनट ये ले ले तू भाई वापस, मुझे और नहीं चाहिए फालतू चीजें। आगे इसके अंदर क्या है भाई, यहाँ पे तूने कैफेटेरिया बनाया है, यहाँ पे क्या खाने पीने का सामान मिलेगा मुझे? और क्या कुछ चाहिए तुझे? कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे भाई कोई और गार्ड वार्ड क्यों नहीं दिख रहे हैं? बहुत लोकल बना है भाई तूने ये सेल। अरे तो कितना टाइम मिला था हमें, 15 मिनट में इतने तो बनेगा। हाँ ये तो बात बोला तूने। और भाई ये क्या है, खाना दिया है तूने पोक चॉप, और भाई ये क्या रॉ है भाई, ये रॉ खाऊ क्या मैं? भाई इसको भी मुझे ही पकाना पड़ेगा, कुछ तो काम किया कर तू भी। और एक मिनट ये क्या है, हेलमेट? भाई ये सही है भाई, मुझे हेलमेट मिल चुका है। एक काम करते हैं इसको पकाने के लिए छोड़ते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारी जगह यार, और इतने सारे फर्नेस का क्या होगा भाई, खोल के देखते हैं। भाई ये क्या, स्वॉर्ड भी मिल गया भाई, ये क्यों दिया तूने मुझे? भाई रख ले काम आने वाला है तुझे बाद में, अभी बताऊंगा तुझे मैं। चलो ठीक है देखते हैं भाई, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ हमारे खाने के लिए, पूरा खाना पकने दो फिर हम लोग आगे चलेंगे। भाई टाइम तो हमारे पास है ना अनलिमिटेड? टाइम अनलिमिटेड नहीं है, कुछ देर में तेरी मौत होने वाली है। अरे भाई ये कैसी बात बोल रहा है, ठीक है यार आधा खाना लेके भागेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत वेट करूंगा यहाँ पे। तो चलो यार बहुत देर रुक गया हूँ मैं, और भाई 9 मिल गए ना, चलो 9 मेरे लिए काफी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है भाई, ये तो भाई यहाँ पे तूने कांच का बनाया, और भाई ये क्या जॉगलिंग लोग को तूने स्पॉन कर दिया इधर? और क्या भाई, प्रिजन एस्केप करना है तो उनको मार के जाना पड़ेगा, वही मेरे गार्ड थे, तूने पूछा था ना गार्ड नहीं है, अब देख ले तू। भाई बहुत ज्यादा मोटे मोटे गार्ड तूने लाया भाई, ये सब क्या है भाई? मैं क्या करूं, तुझे मोटे मोटे गार्ड का शौक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, जा भाई उनको मार के आ। भाई ये कैसी बात बोल रहा है, ठीक है यार मैं देखता हूँ, लेकिन इधर से कोई और भी रास्ता हो सकता है, क्या पता तूने ऐसा कुछ किया हो, यहाँ से कुछ मिल जाए तो अच्छा बात है। लेकिन यार यहाँ से भी आगे जाने का तो रास्ता नहीं है, इसको मैं खोलू ऐसे, इतना खतरनाक गेट। एक मिनट भाई, इसको मैंने कहाँ लगा दिया, ये क्या भाई, इसको तोड़ के दे मुझे भाई। इस प्रिजन में अगली बार गलती मत कर रहा, तोड़ के दे रहा हूँ गलती। अबे एक मिनट भाई, कोबल स्टोन ना भाई, ये शायद बटन से खुल जाता है। एक मिनट, मैंने कहीं क्राफ्टिंग टेबल भी देखा था, कहाँ था वो? अरे स्टार्टिंग में था यार, मुझे वापस से वहां जाना पड़ेगा भाई। अच्छा हुआ ये गेट बंद नहीं हुआ है। ठीक है काम करता हूँ भाई, इससे हमारा भाई बन जाएगा। अरे नहीं यार, इसको मुझे स्टोन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। अरे एक मिनट भाई, हमारे पास कोल भी है, पता नहीं मेरा दिमाग एकदम से बहुत ज्यादा काम कर रहा है। क्या दिमाग काम कर रहा है, इधर से उधर कहाँ भाग रहा है भाई? अरे डर गया तू भाई, वेट कर थोड़ा सा, तू देख मैं क्या करता हूँ, इसको जलने दो सबसे पहले, इससे बनेगा स्टोन और फिर उससे मैं बटन बना लूंगा। देखा बेटा हाई आई क्यू ये नहीं भाई, इससे तो कुछ और बनेगा। इससे क्या बनेगा भाई, स्टोन बन गया है। और भाई जल्दी से भाग के उधर चलते हैं भाई, कितना भागना पड़ रहा है मुझे भाई, बन गया हमारा बटन। जल्दी काम कर, जल्दी क्या हो गया भाई, बटन बन चुका है मेरा, अब मैं जा रहा
रहा भाई सीधा फाइट करने के लिए। जो बटन लगाते हैं इसको, और एक मिनट भाई ये तो खुल गया। अरे ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ से लगता है मुझे भागना पड़ेगा। इन लोग से ऐसे कैसे लड़ सकता हूँ मैं भाई, तू खाने के लिए तो कुछ अच्छा दे। जल्दी दरवाजा खोल के रखा मैंने यार, खाने खाए बिना कैसे लड़ेगा तू उन लोगों से। जल्दी खोल खोल भाई, अबे घुस गया। ये क्या हो रहा है भाई, दरवाजा खोल के रखा मैंने जल्दी। अरे तू इधर आ जा यार, ये मुझे धक्का दे रहे हैं। ठीक है मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये ले गरीब आदमी पकड़। एप्पल गिरा दिया मैंने भाई, गिरा तो दिया तूने, लेकिन मैं मरने वाला हूँ। गया मैं नहीं बच सकता भाई, मैं बच ही नहीं सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एप्पल है। एक मिनट भाई, बच जाएंगे लगता है, बच जाएंगे हम लोग। ये उठा लिया तो काम हो जाएगा। हाँ उठा तो लिया है भाई। बहुत एपिक फाइट चालू है मेरी। कोई एपिक फाइट नहीं चालू है, दौड़ा दौड़ा के मार रहे तुझे ये लोग। भाई ये तो तूने बात बोला। अबे भाई तूने कुछ आर्मर भी तो नहीं दिया मुझे। आर्मर चाहिए, रुक जा देता हूँ भाई। सब अभी देने से अच्छा पहले ही रख देता यार। भाई एप्पल तो हमारे खत्म हो गए भाई, आर्मर भी दे दे। अभी एक ब्लॉक दे रहा है तो भाई उससे आर्मर बनाना तुझे। कुछ और आर्मर फेंको इधर भाई। ये देने से अच्छा तो कुछ नहीं देता। दे दे वापस। नहीं नहीं ठीक है चलेगा भाई, मारने की कोशिश करता हूँ मैं भाई। मर गया तो देखते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकता मैं। अरे ये क्या हो गया भाई, अरे ये क्या हुआ भाई, मैं तो इधर आ गया। ये क्या चालू है भाई, तुझे आजाद होना तो तुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। आजा जल्दी भाई, तेरी गरीबी देख के मुझे बुरा लग रहा है। ये ले भाई गोल्डन एप्पल पकड़। यही ठीक है, चलो भाई अब तो मैं पक्का मार दूंगा। अब ठीक है भाई, ये हुआ ना कोई मैच भाई। अकेले मुझे तूने इस राक्षसों के बीच में भेज दिया था, जब मारता नहीं भाग सकता लेकिन इनसे। ठीक है पिछले बार भी भागा नहीं था, इनने खुद ही मुझे धक्का दे दिया था। देख भाई कितने आराम से मार रहा है इनको भाई, बच्चे को मार रहा है देखो। अरे अपने अपनी आंखों से देखे बच्चों को मार रहा है ये भाई, बच्चा भी तो मुझे मार रहा है ना भाई। सब खत्म हो गए, चलो इसको छोड़ देता हूँ भाई। अरे ये क्या हुआ भाई, बच्चे ने बम फोड़ा। ए बच्चे ने भाई मुझे कुछ तो दिखा तूने भाई, बजूका लिया था। ये कैसा चीटिंग कर रहा है, लेकिन मैं पास हो चुका हूँ भाई। चल अब मेरे साइड आ जा, अब तुझे बताता हूँ भाई असली प्रिजन क्या होता है। तो चलो यार डैश आ चुका है भाई हमारे वाले प्रिजन में, और भाई अब यहाँ से निकल के दिखा तू भाई। तूने बेडरॉक को बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है ऐसे निकला नहीं जा सकता है भाई। दो मिनट में निकल के दिखाऊंगा, रुक जा। देखते भाई पहले पूरा भाई बेड वेड से कुछ कर सकता हूँ मैं। एक काम करता हूँ भाई, पहले बेड तोड़ता हूँ मैं। बेड मिल गया मुझे यार, कुछ तो कर सकता हूँ मैं। इधर बेड लगा सकता हूँ मैं, नहीं यार ऐसे नहीं लगा सकता हूँ यार। शिट रुक जा, एक काम करता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर लगता है बेड भाई। मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ तुझे। ठीक है कुछ करता हूँ मैं, टेंशन मत ले। तीनों बेड उठाने दे मुझे भाई, कुछ तो दिमाग लगा रहा है ये, लेकिन होने नहीं वाला। अरे क्या कर रहा है ये भाई, ये देख मैं इतना ऊपर पहुंच गया यार, ये तो आसानी से निकल जाऊंगा मैं। ये देख भाई ये कौन सा दिमाग लगा लिया तूने, लेकिन ठीक है यार सही गया तूने। तू वैसे बाहर जा सकता है भाई। तुझे एक और असली मैं रास्ता बताता हूँ तुझे ना, बस ये कोंटे में आना था और यहाँ पे गोश ब्लॉक था। वैसे अगर तू बेड से आना चाहता तो आ सकता था, लेकिन तेरे लिए मैंने यहाँ पे देखो यार वाटर भी रखा था, लेकिन अब तुझे वाटर नहीं मिलेगा भाई, जो कि तेरे आगे काम आ सकता था वो तूने नहीं लिया है। तो अब मेरी कोई गलती नहीं भाई, जा वापस से। वापस इधर क्यों आ गया भाई, ये तो गलत है यार, मैं तो चेक कर रहा था बस। नहीं नहीं लेकिन तू निकल चुका है, तेरा भाई यहाँ पे मजदूरी करने का टाइम आ चुका है, तो जल्दी से ये वाली साइड में आ जा जहाँ पे माइनिंग करते हैं। ओ भाई ठीक है आ रहा हूँ भाई। तो लकड़ियाँ रखी हुई है, लकड़ी भाई तुझे लेना है तो ले। इन सारी चीजों में तू कुछ भी माइन कर सकता है, चाहे तो तू चारों चीजें माइन कर सकता है। इसके अंदर तेरी पिकेक्स पड़ी है, उठा ली भाई चेस्ट के अंदर से। क्या बात है भाई, मैं तो डायमंड ही लूंगा, डायमंड पैसे भाई। क्या ये ये क्या हो गया, मुझे पता था भाई सबसे पहले तू डायमंड लेगा। तो एक काम करता हूँ मैं तुझे वापस बुलाता हूँ भाई, मेरे बेस में तुझे तीन चार बार चांस दे दूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड बनाया मैंने। ठीक है यार मैं तुझे बुला लेता हूँ। मैंने डैश को वापस बुला लिया, और तेरे पास पिकेक्स है ना? पिकेक्स पड़ा हुआ मेरे पास मजदूरी करने के लिए, अभी बताता हूँ तुझे मैं। अब भाई तुझे जो माइन करना कर सकता है। ये लकड़ी भाई, छह लकड़ी कौन माइन करेगा भाई, एक ही चीज माइन करने का ऑप्शन है। और डायमंड में तो बॉम्ब रखा हुआ है, एक काम करता हूँ इसको दूर से माइन करता हूँ। ठीक है भाई ये तो सही निकला, ओके भाई यही माइन कर लेता हूँ पूरा का पूरा। अरे एक मिनट ये तो गैप है इधर, अरे मैं नीचे का जा रहा हूं। भाई देख गिर गया, एक मिनट तू आगे मत जा, एक मिनट भाई इधर आई। अब भाई तुझे क्या लगता है यहाँ से तू आगे जाएगा तो भाई तू क्या यहाँ से निकल पाएगा? मुझे नहीं पता यार, मुझे अब क्या पता मैं जा ही रहा हूँ आगे, अब ये रास्ता दिख रहा है मुझे तो जाना पड़ेगा। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तीन चार एंडरमैन बैठे हैं यहाँ पर बस। तो भाई तेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ से तू ऊपर भी नहीं जा सकता है। जब क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। अगर तूने भाई अगर तूने इन तीनों से लड़ लिया ना, मैं तुझे ऊपर स्पॉन कर दूंगा। चल भाई तलवार तो दे। अच्छा तलवार चाहिए क्या? चल तुझे पता, तू बोल भाई जो तलवार चाहिए तुझे वो देता हूँ। तलवार दे और गोल्डन एप्पल दे। ये ले और एक एप्पल भाई, एक ही दूंगा। ठीक है एंचेंटेड, ये ले भाई एक एंचेंटेड ले। तीनों को मार के दिखा, और भाई तूने अगर मार दिया तुझे ऊपर स्पॉन कर दूंगा मैं बिना मरे। ठीक है भाई बता दो, रुक जा तुझे मैं। भाई मेरा नाम भी डैश है भाई, देख कैसे कैसे काम करता हूँ मैं। अरे ये क्या कर रहा है, दो मिनट रुक जा बस बताता हूँ भाई। कोई तो खतरनाक आईक्यू लगा रहा है ये। अच्छा भाई ये करने वाला है क्या? चल सही है देखते हैं भाई अब क्या होता है। अरे भाई ये मर सकता है भी, क्योंकि इसके पास आर्मर तो है नहीं। इतने लंबे हाथ पैर है फिर भी ये लोग नहीं मार पाते भाई, कितने खत्म लोग हैं ये लोग भाई। दो को एक साथ मार दिया, ये क्या था? आखिरी बाकी है, निकल के मारूंगा मैं, रुक जा। चलो भाई देख, इसको बोलते हैं प्रो प्लेयर। चलो यार डैश ने मार दिया है तो भाई इसकी इज्जत रखते हैं हम लोग। और एक काम कर, इसी बात पे दो और ले ले, और रुक जा मैं तुझे ऊपर ला लेता हूँ भाई बिना मरे। बहुत सही खेला है तूने। तो चलो यार मैंने डैश को ऊपर स्पॉन कर दिया है, अब बता तुझे आगे कुछ माइन करना है कि आगे चलना है? भाई वो रेडस्टोन को तो मैं ओवर नहीं मानता हूँ, और वो देख वो क्या है भाई, वो बेकार है। चलो भाई लकड़ियां थोड़ी तोड़ना है मुझे, गोल्ड है मेरे पास। ठीक है भाई, आज तूने बहुत मेहनत कर लिया तो तेरे लिए मैंने खाने का एक डाइनिंग एरिया बनाया, मेरा वाला कैफेटेरिया। तुझे कैसा लगा ये बता?
बहुत ही भाई याद भाई कितना बेकार है, तो मेरा था इसके अंदर क्या है भाई? जाओ भाई, मुझे लग रहा है कुछ तो मिलेगा इसके अंदर। ब्रेड मिला है क्या? अनलिमिटेड ले सकता है, तेरे पास एनचार्टेड गोल्डन एप्पल है ही और ऊपर से ब्रेड तुझे फ्री में मिल रहा है अनलिमिटेड, तू चाहे तो पूरा स्टैक ले सकता है। नहीं नहीं इतना नहीं चाहिए मुझे, अभी दो मिनट में निकलना है मुझे यहाँ से। तो चल यार ठीक है भाई, इतनी मजदूरी तो मैंने तुझसे करा ली, अब तेरे पास पूरा फ्री टाइम है, अब तू जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ से निकलना है मुझे सीधा। ये क्या है, यहाँ से कैसे निकलूंगा भाई? यहाँ से कैसे तू निकलेगा ये तो तुझे दिमाग लगाना है भाई। मैं तो ब्लॉक लगा के निकल जाऊंगा। नहीं नहीं ब्लॉक ही तो नहीं लगा सकते, ये कौन सी बात हुई? ये तो इलीगल है भाई, ये तो ये कैसे इलीगल है? इलीगल है तो है भाई, यहाँ पे तुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा तभी निकलेगा भाई। क्या दिमाग लगाऊं मैं यहाँ पर? रुक जा, मुझे लगता है कि घोष ब्लॉक होगा। रुक जा। तो भाई कितना टाइम पास कर रहा है यार, मैं तुझे कुछ देर में मार दूंगा भाई, इतना टाइम पास नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या करना है तुझे अभी तक नहीं समझा क्या भाई? अभी भी मेरे दिमाग में खतरनाक आइडिया आया मेरे पीछे, तू दिखा था तुझे मैं भाई। वो लकड़ी को मैं बेकार समझ रहा था, लेकिन नहीं भाई वो बेकार नहीं है, और रेडस्टोन को भी बेकार समझ रहा था मैं भाई। थोड़ा दूर होकर माइंड कर लेता पहले, ठीक है रेडस्टोन ले लेता पूरा। क्या बात है भाई, 19 रेडस्टोन मिल चुके हैं और लकड़ियों को भी ले लेता हूँ भाई। चले इसको पता तो चल चुका है भाई, अब ये बना लेगा बहुत आराम से अपने लिए टॉर्च, और फिर देखते हैं भाई आगे क्या होता है भाई। अब बनाऊंगा रेडस्टोन टॉर्च में, चलो भाई आ जाओ इधर। क्या बात है, मेरे पास में एक रेडस्टोन का टॉर्च आ चुका है, अब मुझे बस इसको यहाँ पर लगाना है और चलो भाई निकलते हैं। चलो भाई भाई आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, अब क्या करना है ये बता भाई। अब तू देख ले भाई तुझे क्या करना है भाई। आर्मर रखा हुआ है, क्या बात है, तो ये आर्मर पहन लेता हूँ पहले तो मैं। चल भाई अब तुझे पता चल गया होगा कि तेरा आखिरी बॉस फाइट बाकी है, आगे तूने जैसी बॉस फाइट कर लिया वैसी तू जीत जाएगा। तो चल भाई यहाँ से पहले निकलने की कोशिश कर ले, यहाँ से कैसे निकलेगा वो तो सोच। यहाँ से तो भाई घोष ब्लॉक होगा पक्का भाई। कहाँ पर जाना है भाई? देखो ढूंढ ही नहीं पा रहा भाई। अरे कुछ तो है यहाँ पर भाई, मुझे लगता है यही कॉर्नर। ओ भाई मिल गया, मैंने कहा था ना यही कॉर्नर होगा कुछ। ये ढूंढने में इसने 3 मिनट लगाया भाई, मैं गिन ही रहा था। तो चलो भाई ये वाला तेरा आखिरी फाइटिंग जोन है, इसके बाद तो तुझे पता है कि मैं यहाँ पे तुझे भाई दूंगा एक भयानक सा लेविटेटिंग वाला पोर्शन, और यहाँ से तुझे ऊपर जाना है कैसे बच के बिना मरे, और बिना मरे तू पहुंच गया तो ऊपर तेरे लिए हेलीकॉप्टर रखा है भाई, वो भी तू ले लेना एकदम फ्री में भाई। इसमें तो नहीं मरने वाला, गारंटी है मेरी इसमें नहीं मरेगा। चलो देखते हैं भाई, लेकिन सबसे पहले तुझे इससे लड़ना होगा। लेकिन किससे लड़ना ये तो बता भाई, किसे लड़ना नहीं तो जा रहा हूँ ये ले भाई इससे लड़। भाई ये कौन है भाई, पागल? अबे भाई ये तो पागल है। पागल तो वो है भाई, इसको मार अब तू भाई। कोई गन वन दे यार, दूर से मारूंगा तो अच्छा रहेगा। चल ये ठीक है भाई, बॉक्सर निकला ये तो। ये ले बंदूक, ले बंदूक ले भाई, तुझे मैंने एक बंदूक दे दिया है पीछे में पड़ा है, और बस एक ही रिलोड मिलेगा तुझे भाई, एक ही रिलोड मिलेगा यार। रुक जा कुछ करता हूँ भाई, गोली से तुझे बहुत डैमेज दे देगा। नहीं यार गोलियों से नहीं करना है मुझे, पहले इससे मारना है हथियार से। देखते हैं भाई इसकी बहुत लंबी फाइट चल रही है। बॉक्सर निकला भाई, हाथ हाथ घुमा रहा है ये तो। हाथ हाथ घुमा रहा है वही तो, छपरी फाइटिंग चालू है भाई तुम दोनों की तो। भाई मेरी नहीं इसकी भाई, ये क्या ये भाई, बहुत मेहनत कर रहा है यार डैश को मारने के, लगता है मार ही देगा इस बार। ओ भाई कितना डैमेज दे दिया तूने भाई, तो गोलियां भी तो खत्म हो गई ना मेरी, क्या करूं भाई अब, ये नहीं बचने वाला मेरे हाथों से भाई, खत्म कर दूंगा इसको भाई, खत्म हो गया। क्या बात है भाई, राक्षस इतना जल्दी कैसे मार दिया तूने? चलो ठीक है यार, बहुत अच्छा खेला डैश ने। चल अब तेरा लास्ट लेवल बाकी है, अगर तूने इसको पार कर दिया इजीली तो भाई तू तो हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाएगा। चल सही है फिर, और फिर तुम लोग मुझे कम क्या मिला है भाई? पता नहीं क्या है ये, पता नहीं बेकार लग रहा है मुझे जो भी है। इसके हाथ को क्या हो गया, बहुत खतरनाक बन गया डैश अभी। तो चलो यार तुम लोग कमेंट में बता देना ये वाला वीडियो में कौन जीता है, तब तक देखते हैं एक बार भाई यहाँ पे मरता है कि नहीं, उसके बाद पता चलेगा जीता कौन है। रुक जा मैं तुझे वो पोर्शन दे देता हूँ भाई, पहले गोल्डन एप्पल दे दे मुझे। तो चल यार डैश भाई अब मैं तुझे इफेक्ट देने वाला हूँ, तो चल मैंने दे दिया तुझे, आ जाओ। ठीक है भाई, मैंने भी गोल्डन एप्पल खा लिया हूँ, उड़ने जा रहा हूँ मैं भी भाई। कितने हिसाब से निकल रहा है ये भाई, देखना पड़ेगा मुझे कहाँ से निकलना है भाई। इसमें तो मैं प्रो, बहुत खतरनाक वाला इसमें तो प्रो तो है भाई। चल देखते हैं कितना प्रो है भाई। इफेक्ट तुझे वापस दे दिया है मैंने, और भाई इस बार तू ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाएगा भाई। मैंने बहुत इजी बनाया था, मैंने पहले बोला था सबको। तो चल यार ऊपर आ जा। नहीं बनाया तूने, मैंने बहुत इजीली इसको पार कर लिया भाई। चलो कमजोर बनेगा तो ऐसे ही होगा। अरे हार्ड बनाया रहता तो भाई तू मर जाता अभी फालतू में, जान दे यार वैसे भी शायद मैं ही जीता हूँ इस वीडियो में, तो भाई तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो चल यार तूने प्रिजन तो एस्केप कर दिया है, और ये तेरा हेलीकॉप्टर है, अगर तुझे इसको उड़ाना आता है तभी तो जाएगा। अरे भाई कितना ऊपर जाएगा, क्या कर रहा है? बस आ रहा हूँ मैं, रुक जा भाई, बहुत ऊपर जाना है अभी तो भाई, लगता है मरेगा। नहीं अबे ये कौन सा क्लच था। ठीक है चल भाई हेलीकॉप्टर लेके उड़ तू। ठीक है भाई उड़ रहा हूँ भाई, मैं तो निकल रहा हूँ हेलीकॉप्टर से। ओ भाई डैश तो निकल गया, तो चलो यार इसने भी प्रिजन एस्केप कर दिया है, मैंने भी प्रिजन एस्केप कर दिया है। तो तुम लोग बताओ भाई कमेंट में कौन जीता, शायद दोनों ही जीत गए, या तो कौन जीता भाई तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और 400K पहुंचा दो यार जल्दी से भाई। तोप कहाँ चला रहा है तू?